हेलो। तो हम निकले हैं नई ट्रिप देहरादून, मसूरी एंड जकराता। तो कल हम आ गए थे देहरादून में, तो हमने स्टे कल देहरादून में किया था। मॉर्निंग की टेकर रेंट ऑन स्कूटी एंड वी गो फॉर द चक्राता। सो हम अभी चक्राता वाले रूट पे हैं। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। ये स्कूटी है जो हमने रेंट पे बाय की है और वी बोथ आर सो एक्साइटेड टू सी द स्नोफॉल चक्राता। होप स्नोफॉल मिल जाए देखने के लिए। वैसे में हम मॉर्निंग में आज मसूरी जाने वाले थे, बट 5 से 6 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद वापस प्लान चेंज हो गया। अब हम चक्राता जाएंगे क्योंकि मसूरी में स्नोफॉल भी नहीं हो रहा था और सुना है चक्राता में हुआ था, तो बस स्नोफॉल की तलाश में हम लोग जा रहे हैं। और अच्छा लगता है, नाइस ट्रिप। धूप बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ा ठंडा हवा भी चल रही है, ठंडा मौसम भी है, मज़ा आ रहा है। नाइस ट्रैक, वी आर एंजॉयिंग द ट्रैक एंड द वेदर। You can see how beautiful this bay from Dehradun to Chakrata, and the distance between Dehradun and Chakrata around 90 to 100 kilometers. मंदिर, लेकिन न्यू ईयर की वजह से बहुत सारे लोग थे तो लाइन लगी हुई थी, तो हमने दर्शन नहीं कर पाए। तो वापसी में देखते हैं। और बहुत ही अच्छा रास्ता है, मस्त व्यू है और धूप हो रही है हल्की हल्की। यहाँ से 37 किलोमीटर और बचा है अभी चक्राता। पहाड़ों पे गाड़ी ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है, खास करके अब 2 व्हीलर। Quite difficult to drive on mountains because बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं और it's really sharp cut, so you have to be careful. देहरादून से चक्राता, धनौल्टी, लोखंडी या फिर मसूरी का प्लान कर रहे हैं तो आप भी टू व्हीकल रेंट पे हायर कर सकते हैं। देहरादून में ये 2 या 3 जगह ही मिलती है। हमें चक्राता जाना था तो हमने जो हायर की है वो यामा शोरूम प्रेम नगर से की है, एंड दे हैव चार्ज 500 पर डे फॉर स्कूटी एंड 50 रुपीज़ पर डे फॉर एक्स्ट्रा हेलमेट। इसके अलावा आपको 2 ID proof सबमिट करने होंगे, कोई भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। हमें जो स्कूटी मिली है वो एक ब्रांड न्यू सुजुकी स्कूटी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है। हेलो हेलो, अभी हम लोग चक्राता पहुंच चुके थे और चक्राता में हमने खाना खाया। बर्फ़ भी पड़ी हुई है, पड़ नहीं रही है लेकिन पड़ी, स्नोफॉल हुआ होगा तो वो अभी पड़ी हुई है। बट फिलहाल हम जा रहे हैं लोखंडी, चक्राता से 20 किलोमीटर आगे है और वहाँ स्नो पॉइंट है। सारे लोग बोले वहाँ स्नो हुआ है और अभी तो रोड पर पड़ा भी हुई है, बर्फ़ पड़ी हुई है। हम लोगों का प्लान उधर का बन गया, तो हम जा रहे हैं लोखंडी,
उधर होटल वाले से बात भी कर ली है, तो उनको मिल जाएगा क्योंकि न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, तो होटल्स ऑलमोस्ट फुल है और यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है, लेकिन मज़ा आ रहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टू बी कल से जाने का प्लान कर रहे हो किसी भी प्लेस पर नियर ऑफ देहरादून, तो आप या तो इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में जल्दी आप एक बार उनको कॉल करके अपने इस जो भी टू बी व्हीकल है उसको बुक करा सकते हो। अदरवाइज फिर अगर आप सोच रहे हो 11 या 12 बजे फ़ोन करके बोलोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता मिलना, क्योंकि मैंने सुबह 8:30 पे कॉल किया था तब उनके पास सिर्फ लास्ट स्कूटी बची थी। जब हम उसको शोरूम पे लेने गए थे उस समय बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे बाइक स्कूटी के लेने के लिए, लेकिन अवेलेबल ही नहीं था। तो बेटर है कि आप पहले से प्री बुक करा लो, और अगर वीकेंड है तो बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाता है क्योंकि स्कूटी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बर्फ पर स्कूटी चलाना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल नहीं बहुत रिस्की है। फाइनली हमें बर्फ मिल गई है और आप मैं ये चक्राता और लोखंडी के बीच में आ गए हैं, और यहाँ पे तो बहुत स्नो हो रखा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा था यहाँ पे तो स्कूटी चलाना भी। ऑसम प्लेस, ओह नाइस, इधर तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रखा है, अब देख सकते हैं पहाड़ों पे पूरा बर्फ जमी हुई रखी है, नाइस पूरा वाइट वाइट हो रखा है, ऑसम। और लेकिन स्कूटी यहाँ चलाना बहुत रिस्की है, अब मुझे वो डर भी लग रहा है कि कल अगर जब मैं वापस आऊँगा या परसों तो या अगर यहाँ बर्फ पड़ी होगी तो बहुत ही मुश्किल होगा स्कूटी को निकालना। सी देयर सारा बर्फ 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 बर्फ। ये है स्नो पॉइंट लोखंडी, यहाँ पे बहुत सारी स्नो हो रखी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने व्हीकल से आए हुए हैं यहाँ पे, ये सारे घूमकर जाने वाले हैं वापस चक्राता या देहरादून जहाँ भी शायद जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही होटल है, ये हिमालय व्यू पॉइंट करके है, तो आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है, मुझे पता नहीं आज कैसे मिल गया, थैंक गॉड। और ये है वुडन रूम जो हमने अभी लिया है यहाँ पे हिमालय व्यू पॉइंट करके एक होटल है वहाँ पे, तो ये स्नो पॉइंट है एक्चुअली। तो आप देखोगे इधर अगर बाहर तो यहाँ पे देखो स्नो दिख रही है, ठीक है ये पड़ी हुई है, धूप भी है ऊपर, साइड भी देख सकते हो आप, ऑसम व्यू है।